अस्सलाम वालेकुम, मैं विद गजुरा आप से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बीएस पैथोलॉजी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उसकी क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊँ बीएस पैथोलॉजी के बारे में तो आप वाकिफ़ हैं। ये 4 साल का प्रोग्राम है, इसके 6 सेमेस्टर होते हैं और हर 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह का होता है। पैथोलॉजी का काम यही है कि जो भी डॉक्टर है किसी भी चीज़ का के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करता है, यानी कि उस कोई भी किसी इंसान पर या जानवरों पर या पौधों पर कोई भी जरासीम अटैक कर रहा है तो आया कि ये कंफर्म करता है पैथोलॉजी का स्टूडेंट्स के उसने अटैक किया है और कितने तक किया है और आगे कौन सी चीज़ डैमेज हुई है। तो उसमें वो एक सैंपल लेता है, एक सैंपल या सैंपल के मुख्तलिफ सैंपल होते हैं, पौधों के अलग होते हैं, जानवरों के अलग रहते हैं, इंसानों का ब्लड हो गया, यूरिन, इस तरह की चीज़ों से वो सैंपल हासिल करने के बाद बायोप्सी वगैरह होते हैं तो उसमें मालूम करके देता है कि इसको ये मसला है, इसकी वजह से इसने जरासीम ने ये असर किया, उसकी ये नॉर्मल वैल्यू है और इसकी इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है। उसके बाद वो डॉक्टर जो होता है उसका एंटीडोट उसकी मेडिसिन देता है जिससे वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया इसका क्या होता है। एफएससी मेडिकल होनी चाहिए, 60% आपके नंबर होने चाहिए, उसके अलावा कम से कम, उसके अलावा अगर पब्लिक सेक्टर पे देखें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग जाएं एडमिशन लेने के लिए तो सरकारी यूनिवर्सिटी का आपके हिसाब से जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा मेरिट हाई होगा। ये तो क्लियर बात है, अगर स्टूडेंट्स कम है तो मेरिट भी कम होगा। अगर जो नॉर्मली देखा गया है पाकिस्तान में जो चल रहा है इस वक्त वो कम अज़ कम 60% से 70% से 90% तक बीएस पैथोलॉजी का सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट होता है। अगर सरकारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करूँ तो 50,000 से लेकर 80,000 सेमेस्टर फीस होती है। टोटल फीस में बात करूँ 4 लाख से 6 लाख इसकी फीस होती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ हिसाब होता है, मुख्तलिफ एडमिशन डेट होती है। जो भी आपके करीब यूनिवर्सिटी बनती है उसमें आप विजिट करके उसके एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर में आप ये हो सकता है किसका मेरिट कम से कम 60% नंबर होना चाहिए, लेकिन इसकी जो सेमेस्टर फीस है 70,000 से 1 लाख होती है। अगर मैं टोटल तो आप बात करूँ पूरी डिग्री का जो पैकेज होता है 6 लाख से 9 लाख के दरमियान इसका एक्सपेंस होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी ब्रांचेस कौन से होते हैं, इसके प्लांट पैथोलॉजी है, वेटरनरी पैथोलॉजी है, एनाटोमिकल पैथोलॉजी है, उसके अलावा जनरल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, सभी लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो इंशाल्लाह इसके बारे में कभी किसी वीडियो में बताएंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, उसके अलावा वेटरनरी पैथोलॉजी क्या होती है, एनाटॉम पर, उसके अलावा जनरल पैथोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है, उसके बाद स्पीच पैथोलॉजी क्या होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको बता दी हैं। जॉब्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल हैं, एग्रीकल्चर लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, वेटरनरी के लैब्स वगैरह हैं, इस तरह रिसर्चर सेंटर हैं, एनजीओज हैं जो इसकी जॉब वहाँ स्टूडेंट्स कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट्स वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। आप जो भी स्टूडेंट्स इस एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी करीबी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसका विजिट करें, जाके एडमिशन लें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के पास।